subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. कपड़े इस्त्री क्यों नहीं करते था? बीबी जी मैं करता हूँ, ये कमबख्त खुद ही नहीं होते। क्या कपड़े जिद में आ जाते हैं? कपड़ों ने क्या जिद में आना जी, कपड़े जिद में आए कभी? असल में मसला ये हुआ है कि इस्त्री जो है ना वो गर्म नहीं हो रही आजकल। बेवकूफ इंसान, लाइट गई भी थी। तो फिर आप ना बाबडा से शिकायत करें, मुझे आप हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। अब मैं जाके बाबडा वालों से कहूँ कि मेरे कपड़े इस्त्री करें? तुम्हारी जॉब है ये, क्या कर रहे हो? वो मैं जरा गाना गा रहा था, थोड़ा रोमांटिक मूड में था। ओफो, मेरा कहने का मतलब है तुम कपड़े के साथ क्या कर रहे हो? बीबी जी सही कर रहा हूँ, वैसे मैंने हिसाब लगाया इस घर में जितनी मिट्टी है ना इतनी मेरे चचा भरूम के घर में भी नहीं होती थी। क्यों, तुम्हारे चचा के घर में भी सफाई नहीं होती थी? नहीं, वो एक्चुअली जो है ना वो रेगिस्तान में रहते थे, थर के रेगिस्तान में। मिट्टी मिट्टी बहुत बोलते हो, कोई काम नहीं करते हो क्या? ऐसे नहीं करते बाबा, इधर दो ये पकड़ो, हटो, ऐसे करते सफाई, तेज तेज हाथ चलाते। बीबी जी जादू है आपके हाथों में। हाँ। आप बहुत जल्द मेरी जगह ले लेंगी। बकुबत सत्यानाश, बीबी जी आपने तो पूरे का पूरा गोदाम साफ कर दिया। हाँ जी, क्योंकि मियाँ की आखिरी निशानी थी और आपने इसको उनके पास भेज दिया दूसरे जान में। करामत, करामत तुम जल्दी से इसको समेटो, अगर सुगरांटी ने देख लिया ना तो जल्जला आ जाएगा। जल्दी करो ना, और हमें ना जल्जले की बीट पे भी तिकनी का नाच नचाएंगी वो। इतने जोश मत मारो, उठाओ जल्दी करो, आ तो नहीं रही। तुमने मेरा वो नीला फूलदान देखा है जो टेलीफोन के पास पड़ा था? हाँ देखा है, पता है, काफी प्यारा है। हाँ बड़ा प्यारा तो है, मगर तुमने देखा है? वो हो देखा है, तभी तो कह रही हूँ। अब अंधी तो नहीं हो कि छू छू के बोलूंगी कि प्यारा है? वो मिल नहीं रहा। नहीं रहा किसको? नहीं मिल रहा मुझको, नहीं मिल रहा। हो सुखरा आंटी, किस किस्म की बातें कहती है? गुलदान जो है वो आपसे क्यों मिलने लगा? हाँ गुलदान जो है आप जैसा थोड़ी, आप तो बहुत अच्छी हैं, आपने क्या उससे मैचिंग करनी है? आप तो काफी प्यारी हैं। थैंक यू शर्मीन, मगर मेरा कहने का मतलब ये था कि वो मुझको नहीं मिल रहा। हो सकता है सुप्रा आंटी कि कोई चोर ले गया हो या चोरी हो गया हो। अरे इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। आपके कहने का मतलब है कि आपका गुलदान मैंने चोरी किया? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुमने कहीं देखा है चोर को? नहीं नहीं, गुलदान को। नहीं मैंने नहीं देखा शर्मीन, वो मेरे जहेज का था। ओहो सुग्रा आंटी, आपकी कौन सी कल शादी हो रही है और खरीद लेंगे? शर्मीन वो मेरी माँ की आखिरी निशानी था। सुग्रा आंटी, अपनी माँ की सबसे बड़ी निशानी तो आप है ना, जीती जाती सुगो। आप अपना ख्याल रखिए, गुलदान की फिक्र छोड़ दें। तो मुझे निहत्ता करके मारोगे? किस किस्म की बातें कर रही है सुग्रा आंटी आप? अगर तुम सारी मेरी अजीज चीजें मुझसे छीन लोगे तो मैं मर जाऊंगी ना। ये अच्छा है, पता नहीं मैंने क्यों नहीं सोचा। क्या ये है कि किराए के झंझट से जान छुड़ाने की ये बहुत आला तरकीब है? कौन सी तरकीब है? ओहो छोड़े ना सुग्रा आंटी, देखे भाई आप गुलदान जो है ना उसको जाके अपने कमरे में ढूंढे, घर में ढूंढे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जिंदा चीज तो है कि वॉक करके बाहर चली जाएगी। तो बात करना भी कितना मुश्किल। देख नहीं रहे हो और कह रहे हो हाँ जी ऐसी लगेगा? करामत जल्दी से इस गुलदान को जोड़ो, सुगरा आंटी आ जाएगी। बीबी जी अगर इसके जोड़ने से सुगरा आंटी के आने का खदशा है तो मैं नहीं जोड़ते। किस बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? अगर सुगरा आंटी आ गई और उन्होंने देख लिया कि उनका गुलदान टूट गया है तो कुछ देर के बाद हमारा सर ही बिखरा पड़ा होगा और हम उसे ग्लू से जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। बीबी जी कैसी ग्लू है, गुलदान तो जोड़ने ना मेरे हाथ जोड़ गए। अब मैं तुम्हारी उंगलियां तो साइड टेबल पर सजा नहीं सकती, जल्दी करो। मेरा गुलदान! ये गुलदान, ये आपका गुलदान? बीबी जी ने बिल्कुल नहीं बताया कि ये आपका गुलदान था। ये मेरा बहुत कीमती गुलदान है। अरे तुम दोनों ने इसे तोड़ दिया है। नहीं ये तोड़ा तो नहीं हमने, हमें नहीं तोड़ा। बीबी जी
मुझसे गिर गया था। करामत? क्यों तोड़ा ये गुलदान? पीपी जी सफाई कर रहा था, हाथ लगा गिर गया, टूटने की चीज थी टूट गई। टूटने की चीज थी टूट गई? तुम्हारी जो तनख्वाह है ना वो भी कटने की चीज है और समझो कट गई। पीपी जी कटने की चीज बनाने से पहले उसे देने वाली चीज तो बनाए ना। 8 महीने से 1 रुपया नहीं मिला मुझे। और अब मिलेगी भी नहीं। करामत, करामत मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने अच्छे इंसान हो। I owe you. हैं? I love you. बकवास मत करो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुमने एक अच्छा काम किया मेरे लिए और कभी भी तुम्हें मेरी अगर जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मेरा पक्का वादा। पक्का वादा? हाँ बाबा, पक्के वाला वादा। ठीक है, आपसे कोई काम कराना हो, शादी की तो मेरी अभी उम्र नहीं हुई, तो चले मैं सोचूंगा, आपको काम पड़ा ना जरूर कहूंगा आपसे। हाँ ठीक है, अब ये पकड़ो और इसको जोड़ो, सारी टेंशन खत्म। हम जो है टेंशन लेने के लिए। अल्लाह करे उसकी तो जुबान ही बंद हो जाए। किसके बारे में बात कर रही हो नर्स जी मेरी? डॉक्टर फाना, मेरी बहन तो शादी करके फंस ही गई है। अल्लाह किसी को ऐसी खुश दामन ना दे। वैसे मेरी कभी समझ में ये बात नहीं आई कि सास को खुश दामन क्यों कहते हैं? बहू की सारी खुशियां समेट के अपना दामन भरकर फिर खुश होती है। अच्छा, क्या कहती है तुम्हारी बहन की सास? वो कहती है मेरी बहन ने उस घर के साथ वो ही किया है जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में पहला कदम रखते हुए किया था। तो उन्होंने पहला कदम रखते क्या किया था? दूसरा कदम रखा था। अच्छा छोड़ो सास को, मुझे ये बताओ नर्स चमेली के जो तुम्हारे सिस्टर के हस्बैंड हैं वो तो उसका ख्याल रखते होंगे ना? हाँ बहुत ख्याल रखते हैं, सारा दिन घर में टिकते ही नहीं है। है? तो कहाँ रहता है? मुझे क्या पता कहाँ रहता है, वो तो उस बेचारे को कहता है कि मैं फलां दोस्त के यहाँ बैठा बिजनेस मीटिंग कर रहा हूँ। ओ तो फोन करके चेक कर ले। उसने उसके दोस्तों को ना फोन करके चेक किया था। है, कहीं नहीं मिला। वो सब यही कह रहे थे कि हमारे घर में बैठा मीटिंग कर रहे। हेलो हसन हॉस्पिटल। हेलो, आपको अपना वादा याद है ना? अजी मैंने आपसे कोई वादा किया था? अच्छा तो यानी कि आप भूल गई। हाय, आपके लहजे में किस कदर अपनापन है। ए अजनबी कौन हो तुम? ओ फराना बीबी, मैं करामत दीन। अरे हाय करामत, बदतमीजी क्यों कर रहे हो तुम? हैं जी, मैंने क्या बदतमीजी की है जी? अच्छा छोड़ो उन सब बातों को, बताओ फोन क्यों किया था? वो आपको याद है ना, आपने मेरी मदद करने का वादा किया था। हाँ हाँ मुझे याद है, बोलो क्या करना है? वो सोरा बीबी छुट्टी नहीं दे रही और मैंने शाम को बड़ी जरूरी फिल्म देखने जाना है, आप वापसी पर दरवाजा खोल देंगी ना? हाँ हाँ मैं ऐसे करूंगी, रात को सोने से पहले कुंडी खोल दूंगी। ठीक है? बस ठीक है, लेकिन एहतियात के तौर पे अगर आप भूल गई ना तो मैं आपको इशारे करूंगा, पहले 2 दफा टॉर्च मारूंगा टिच टिच टिच, फिर भी अगर आप ना उठी ना तो मैं आपकी खिड़की पे कंकरी मारूंगा या कोई बेरी शेरी। बाबा मैंने कहा ना मैं जाग जाऊंगी, अब तुम क्यों मुझे इतना बोर कर रहे हो? लेकिन एक चीज देख लें, सुगरा बीबी को पता लग गया ना तो वो दरवाजा तो नहीं मेरा सर जरूर खोल देंगी रात को। अच्छा ठीक है करामत, मैं खोल दूंगी कुंडी और तुम आ जाना आराम से अंदर, अब मत सर खाओ मेरा प्लीज। ओहो बीबी जी, आपने अभी तक खाना शुरू ही नहीं किया, तो जल्दी खाया करें, जल्दी सोया करें, जल्दी उठा करें। क्यों, तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया है? तुम चाहते हो मैं जल्दी से खाऊं और मर जाऊं? ओह बीबी जी, मैं आपके खाने में जहर क्यों डालूंगा, आप तो इतनी अच्छी हैं। वो सुगरा बीबी और फलाना बीबी कब की खा के जाके सो चुकी हुई है। मेरी उन लोगों के साथ रेस लगी हुई है खाना खाने की, अगर उन दोनों के दांत तेज है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि एक्चुअली मुझे ना जरा काम से। नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इनको बता दिया तो इन्होंने जाके सुगरा बीबी को शिकायत लगा देनी। मेरा काम खत्म हो गया था तो मैंने सोचा कि मैं जाके सो जाऊं। हाँ तो जाके सो जाओ ना, मैंने खाना खाने के बाद तुम्हें लोरी देके सुलाना है। है? मैं चला जाऊं? हाँ जाओ, स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं। ठीक है, ओके, गुड नाइट। सोने के लिए कितना खुश। फरहाना ये तुम आधी रात को कहाँ जा रही हो?
वो मैं कहा मैं बाहर तो नहीं, हाँ मैं बाहर जा रही थी कि देखने के लिए कि बाहर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। बाहर जा रही थी बारिश देखने के लिए? अरे तुमने कौन से कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए जो बारिश में भीग जाएंगे? हाँ लेकिन वो, हाँ मैं देख रही थी न्यूज़, और न्यूज़ पर ना महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज बारिश होगी। अरे अगर महकमा मौसमियात ने कहा है ना फिर तो यकीनन बारिश नहीं होगी। और वैसे मेरी खिड़की से बाहर झांक के नहीं देख सकती तुम? हाँ हाय सुग्रा आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप, मेरे जैसी खूबसूरत हसीन जवान लड़की खिड़की से बाहर देखेगी और वो भी रात के वक्त, पड़ोसी क्या सोचेंगे? अच्छा अगर तुम जैसी जवान हसीन लड़की आधी रात को दरवाजा खोल के घर के बाहर चली जाएगी तो पड़ोसी यही समझेंगे ना कि रूटीन की बात है इनके यहाँ। हाँ कहेंगे मैं हॉस्पिटल जाती हूँ नाइट ड्यूटी के लिए, रूटीन है। अच्छा जाओ देखो फोन किसका है, तुम्हारा ही होगा नाइट ड्यूटी। हेलो डॉक्टर फुराना, ओ डॉक्टर हसन ने आपकी नाइट ड्यूटी लगा दी है। लेकिन कल तो मैंने नाइट ड्यूटी की थी। तो आपने क्या समझा था कि आपकी आखिरी नाइट थी? पर मैं नर्स चमेली प्लीज तुम संभाल लो ना, इस दफा संभाल लो प्लीज। नहीं डॉक्टर फुराना मैं रिस्क नहीं ले सकती, डॉक्टर हसन जो है वो बार बार फोन करके आपके बारे में पूछता है। डॉक्टर हसन मेरा पूछ रहे है? फिर तो मुझे आना ही पड़ेगा। जल्दी से आ जाए, मैंने सोना है, मुझे नींद आई हुई है। मेरी खिड़की पे कोई पत्थर मार रहा है। आपकी खिड़की पे कोई पत्थर मार रहा है क्यों? अरे भाई देखो जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही है ना। अगर किसी आशिक जो बाहर फिर रहा उसने पत्थर मारने भी है तो वो हमारी खिड़की पे मारेगा क्योंकि बेरी तो यहाँ पे है ना, आपकी खिड़की पे क्यों मार रहा है ये समझ नहीं आई बात। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही, हालांकि मैं तो आज सारा दिन घर के बाहर भी नहीं गई हूँ कि कोई मेरे हुस्न का शिकार ही हो जाता। आपकी खिड़की पे पत्थर क्यों मारेगा? हमारे घर में कौन सी ऐसी दौलत है जिस पर चोर और डाकू आएंगे? तो और भी खतरे की बात है क्योंकि सुग्रा आंटी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर चोर या डाकू घर में आए और उन्हें कोई चीज ना मिले तो जो घर का मालिक होता है उसे मार देते हैं। मगर ये नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास तो ज्वेलरी भी है और मेरे पास पैसे भी हैं। अच्छा फिर ऐसे करें कि चोरों के आने से पहले पैसे आप मुझे दे दें और ज्वेलरी कहीं पे छुपा दें। तो मैं चोरों को क्या दूंगी? यही तो होगा ना कि जब चोर आएंगे तो वो देखेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है तो वो आपको मार देंगे, फिर ज्वेलरी भी मैं ले लूंगी। प्लीज मेरा दिमाग खराब हो गया शर्मीन, ना मैं तुम्हें ज्वेलरी दूंगी ना मैं चोरों को। ऐसा करते कि हम अपनी अपनी कीमती चीजें समेट लेते हैं। हाँ ठीक। और तुम्हारे पास क्या कीमती चीज निकलेगी? समेटूंगी तो मैं ही अपनी कीमती चीज। गर्दन तुम्हारी छोड़ूंगा मैं, वो असर करूंगा कि तारीख में लिखा जाएगा यहाँ कभी गर्दन हुआ करती थी। ओए तुम चोर हो? नहीं नहीं मैं करामत हूँ, मैं तुम्हारी शामत हूँ। सच सच बता तुमने इस घर से क्या क्या चुराया? ओ जनाब इस घर में चुराने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा तो तुम जायजा ले चुके हो? जायजा मैं इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। कितने चप्पे हैं इस घर के? इसमें है अपना 1 2 3। ओए फजलदाद की आंख धोखा नहीं खा सकती, तुम शक्ल से महर चोर लगते हो। अच्छा बेबे तो कहती थी कि मैं शक्ल से ज्यादा लगता हूँ। बेबे की क्या बात है, मेरी बेबे भी मुझे कहा करती तुम शक्ल से ज्यादा लगते। अच्छा चल थाने। नहीं मैं थाने नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर नौकर हूँ सर। नौकर? अच्छा जिनको नौकरी के बहाने ताड़ते हो, क्या क्या कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है और रात को जेम्स बॉन्ड बन के चोरी कर लेते हो? नहीं 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 सर आपको गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी नहीं पुत्र, मैं डोकर हूँ डोकर। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ना गलत फहमी हो रही है आपको। गलत फहमी तो तुम्हें हुई है बच्चू कि शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चल थाने, अभी मैंने मोड़ ही भी नहीं की। चल थाने।
सारी चीजें इसकी कीमती किस्मी खुद कहा चली गई। शर्मेन सोक्राटी मैं हूँ यहाँ पे। ये जूते तो पहनो ना, ये क्यों रखे हुए यहाँ पर? सॉरी सॉरी, ये बताओ कि ये चीजें कहाँ छुपानी है? रहने दे आप। अच्छा, आपसे तो मैंने हिसाब किताब पूरा करना है। शाम को जब मैंने आपसे 1000 रुपए मांगे थे तो आपने कहा मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अब आपके पास 8000 रुपए कहाँ से निकल आए? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। देखो शर्मीन, वो दरअसल मेरे जहन में नहीं रहा कि मैंने 8000 रुपए अपने ज्वेलरी बॉक्स में संभाल के रखे हुए। तुम ये पैसे चोरों से बचा लो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगी। अरे रहने दे, अब 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। पूरे 8000 रुपए देंगी आप मुझे? जाओ जाओ, नहीं देती मैं तुम्हें, क्या कर लोगी तुम? नहीं देंगी तो पता क्या करूंगी, जाऊंगी और जाके ना दरवाजा खोलूंगी और चोरों को अंदर बुला के लाउंज में पार्क करा दूंगी। याद रखना तुम मेरी किराएदार हो। हाँ मुझे पता आपकी किराएदार हूँ, आपकी मेहमान नहीं हूँ, इसलिए मुझसे किसी अच्छी चीज की उम्मीद मत रखेगा। अब जाए जाके अपने कमरे में सोए, मुझे तनहा छोड़ दे। देखो मुझे अकेले में बहुत डर लगता है, मैं दे दूंगी तुम्हें 8000 रुपए। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये बताएं कि हम ये चीजें कहाँ छुपाएं? ओहो, यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि हम ये चीजें कहाँ छुपाएं? शर्मीन पंखे के ऊपर छुपा दे। पंखे पे, ताकि चोर अंदर आए, उन्हें गर्मी लगे, वो सबसे पहले आके पंखा चलाए और सब चीजें ओढ़ के ना उनकी गोद में आके गिर जाए। तो क्यों ना किचन में जो आटे का डब्बा पड़ा है उसके अंदर छुपा दे। ओह सुनो, मैं तो तुम्हारे साथ बैठना नहीं चाहती हूँ। कितनी घरेलू औरतों वाली जहनियत है, सीधा दिमाग जो है ना वो आटे के डब्बे की तरफ गया है। देखिए ना, हो सकता है कि चोर आए, उनको भूख लगी तो वो सीधा आटे के डब्बे की तरफ जाएंगे ना। कोई चोर है, कोई चूहे नहीं है कि सीधा आटे के डब्बे में जाएंगे। हो सकता है कि उनको भूख लगे, उनका रोटी खाने का दिल चाहे, आटा गूंदे रोटी बना लें। ऐसे घरेलू चोर मैंने तो पहले कभी नहीं देखे। ओह सुक्रांती, आपको नहीं पता मैंने एक जगह किताब में पढ़ा था कि 2 किस्म के चोर होते, एक घरेलू चोर होते हैं और आवारा चोर होते हैं। आवारा चोर जो है उनकी डेफिनेशन यह है कि वो अक्सर रात को 12 बजे सड़कों के कोनों पे पाए जाते हैं। वो लोगों से मोबाइल स्नैचिंग और मोटर बाइक स्नैचिंग वगैरह करते हैं। जो घरेलू चोर होते हैं वो सबसे पहले घर के अंदर आते हैं, सीधा फ्रिज की तरफ जाते हैं, फ्रिज खोल के जायजा लेते हैं कि फ्रिज के अंदर क्या लवाजमात है, फिर वो सारी चीजें निकाल के बाहर टेबल। शर्मीन क्या हो गया तुम्हें, तुम मुझे चोरों पर लेक्चर क्यों दे रही हो? सुक्रांति आइडिया, आप ये मुझे दे दे, मैं चोरों को हवा भी नहीं लगने दूंगी। तुम्हें दे दी, अगर तुम्हें दे दी तो फिर तो हवा मुझे भी नहीं लगेगी। अच्छा फिर हाँ, एक और आइडिया, ऐसे करते कि चोरों की आंखों में धूल झोंक दें। ओहो शर्मीन, इतनी सारी धूल हम कहाँ से लेकर आएंगे? करामत ने आज बहुत अच्छी सफाई की।